माय चैनल। आई नो काफी वीडियो लेट आ रहे अभी से और काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इसके पीछे एक रीजन ये था कि मेरी एग्जाम, और लेकिन क्या हुआ, एग्जाम देने में गया, मतलब 12 से 2 की एग्जाम दी, 2:30 या 3:30 को मैं वहां से निकला अपने एग्जाम सेंटर से। उसके बाद न्यूज आती है कि एग्जाम हो गई है पोस्टपोन, मतलब एग्जाम हो गई है पोस्टपोन फिलहाल के लिए। अब पता नहीं कब इन्फॉर्मेशन आएगी, आगे की नहीं आएगी, कब एग्जाम, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अपने बैक टू अपनी रूटीन लाइफ। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं सिरामिक कोटिंग करवाने मेरी गाड़ी को, गाड़ी को नहीं ब्रो, मेरे बाइक को भी नहीं, मेरे हेलमेट को मेरे को सिरामिक कोटिंग करवाना है। क्योंकि हेलमेट थोड़ा पुराना हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि हेलमेट को थोड़ा एक बार से अच्छा रिफर्बिश कर दूँ, अच्छे से शाइनिंग बाइनिंग आ जाए। उसके लिए एक बार फिर से हम लोग हेलमेट में सिरामिक कोटिंग करवाने जा रहे हैं। टोटल 3 हेलमेट्स है, एक मेरा हेलमेट, एक ये और एक ये एमटी एसएमके का हेलमेट है ना, दूसरा एक एसएमके, एक एमटी, दो एमटी है। मयूर टी शर्ट तो बदल यार, हर बार मेरी वीडियो में यही टी शर्ट आती है। गरीब इंसान है, क्या करे। कैसे हो? बस सब बढ़िया है भाई, अब बताओ। कुछ नहीं, चलो अब तो सीधा हेलमेट कोटिंग करवाने जाते हैं। कोटिंग रैप नहीं यार, सॉरी, कोटिंग कराने जाते हैं। ओके ओके, अपनी गाड़ी में आज जाएंगे हम लोग, बाइक से नहीं जा रहे क्योंकि धूप काफी है। फाइनली हम लोग हेलमेट जहाँ पे सिरामिक कोटिंग करा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। रबन शाइन करके कार डिटेलिंग स्टूडियो है। ये स्टूडियो आपको एग्जैक्ट थलतेज विलेज में से, जब जैसा भी निकलेंगे जाइडस वाले रोड पे, थलतेज विलेज से आप सीधा जाएंगे उस रास्ते पे, आपको लेफ्ट हैंड साइड ये जगह दिख जाएगी। ये जगह आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में आपको एड्रेस और नंबर भी दे दूंगा। ये मेरे दोस्त का, ये एकदम रिजनेबल रेट है और जेन्यून 3M के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कार डिटेलिंग में। मैं आपको एक बार अंदर ले चलता हूँ। इस तरह का कुछ सेटअप है यहाँ पे पूरा। टोटल यहाँ पे 3 हेलमेट्स है, आप देख सकते हैं, एक एमटी का हेलमेट हो गया, दूसरा एक एमटी का और तीसरा हेलमेट वो एसएमके का। ये वाला हेलमेट, ये मेरा हेलमेट है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड है। यहाँ पे आप थोड़े बहुत स्क्रैचेस प्लस यहाँ पे स्विल मार्क्स आराम से देख सकते हैं। ये मैट में और ये वाला ग्लॉसी में और ये वाला भी ग्लॉसी में। ये दोनों हेलमेट्स एग्जैक्टली न्यू है तो इस पर ज़्यादा आप मार्क्स नहीं देख सकते, आपको देख रहे होंगे नो स्विल मार्क्स, इसलिए इसके इस पर हम कोटिंग कराएंगे इन दोनों पे, और इस पर भी हम कोटिंग करवाएंगे। इसमें से पहले सारे मार्क्स निकालने पड़ेंगे प्लस स्क्रैचेस रिमूव हो गए, उसके बाद इसके ऊपर कोटिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3M का वैक्स हम लोग इस पर पहले लगाएंगे। इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड वैक्स को अप्लाई किया और इस साइड वैक्स को अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली शाइन आ रही है, मतलब हेलमेट जो है वो मैट में, लेकिन मेरे को उस पर शाइन लानी है। शाइन लाने के लिए हम लोग 3M का वैक्स लगाएंगे, वैक्स के ऊपर 3M का सिरेमिक कोटिंग होगा, इसके बाद शाइन। हेलमेट पे पूरी तरह से वैक्स को अप्लाई कर दिया गया, लेकिन वैक्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो फाइबर के थ्रू यहाँ पे जो वैक्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको रिमूव करा जा रहा है, ताकि वाइट कलर के जो मार्क्स रहते हैं वैक्स के वो ना रह जाए। मतलब आप देख सकते हैं माइक्रो फाइबर ही यूज़ कर रहे हैं इसमें, अलग से कोई भी क्लोथ आपको यूज़ नहीं करना है। आप कहीं से भी अगर आपको हेलमेट में सिरामिक कोटिंग करवा रहे या फिर कोटिंग करवा रहे नॉर्मली भी, तो आपको हर टाइम ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे कोटिंग करवा रहे वो माइक्रो फाइबर का यूज़ करें, वरना चांसेस है कि स्क्रैचेस पड़ सकते हैं और इवन जो मार्क्स होते हैं प्रोसेस के वो भी यहाँ पे लग सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे वैक्स लगाया, उसके बाद ये आप देख सकते हैं 3M का जेन्यून प्रोडक्ट है, 3M का इस पर सिरामिक कोटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरा हेलमेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये वाला और लास्ट में SMK का हेलमेट पे सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो अब डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे 3M प्रिंट प्रोटेक्शन कोटिंग।
फाइनली आप देख सकते हैं ये वाला हेलमेट भी डन हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट का जो एकदम मैट कलर था वो थोड़ा सा निकल के थोड़ी सी शाइन आपको देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल है। ये वाला हेलमेट भी हो गया, ये वाले भी, टोटल थ्री हेलमेट कम्प्लीटली यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हेलमेट को करते हैं पैक और मेरे को नाश्ता कराएगा ना आज, नाश्ता कराने जा रहे हैं। चलो थैंक यू बलदेव भाई, चलो करण थैंक यू, दर्शित भाई तो छे नहीं अत्यारे आंधो ने। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं रबन शाइन करके कार डिटेलिंग स्टूडियो थलतेज वहाँ पे आया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोम कार इंटीरियर क्लीनर है, 3M के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 3M के सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। मैं अपनी कार की डिटेलिंग, मेरे बाइक का वॉश हो गया, मेरे कार का वॉश हो गया, मैं इधर ही करवा दूँ। अगर आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ। ऑल राइट, तो आपने देखा कि हम लोग ने सिरामिक कोटिंग अपने हेलमेट में करवा दिए। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, मोमो पार्टी चल रही है, मोमो पार्टी। आपको मोमो एक बार दिखाता हूँ, ये मोमोज फ्राई मोमोज है, ये सालसा सॉस, लहसुन की चटनी और ये मेयो है और ये भुखड़ खा रहा है। तो बस एक कैसा लगा तेरे को बाइक में क्या, मैं क्या कह रहा था, हेलमेट में कोटिंग करवाया कैसा लगा, कुछ फ़र्क या डिफरेंस नज़र आ रहा है? स्नैप बाद में लेना भाई, बहुत 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 फ़र्क लग रहा है। क्या फ़र्क क्या लग रहा है, कट कर। तो इसी के साथ वीडियो को यही पे एंड करते हैं, वीडियो को एंड करना है ब्रो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना पक्का।